हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी न्यू वीडियो में। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि फेसबुक पर रील कैसे बना सकते हैं और कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो अब आपको यहाँ पर फेसबुक लाइट ओपन नहीं करना है, तो अब आपको यहाँ पर फेसबुक बड़ा वाला यूज करना है। तो आपको यहाँ से क्या जैसे रील्स बनाओगे तो रील्स से आपको क्या क्या फ़ायदा होगा, तो आप जो यहाँ पर रील्स बनाओगे तो रील्स पे आपकी मतलब फॉलोवर भी इंक्रीज होंगे, साथ साथ आपको लाइक भी ज़्यादा मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर देखो रील्स का ऑप्शन मिल गया होगा, तो यहाँ पर रील्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से रील्स बना भी सकते हो, यहाँ से म्यूजिक ऐड कर सकते हो, अगर आपको जो भी मतलब सॉन्ग यहाँ पर ऐड करना है ऐड कर सकते हो। इसके बाद आपको मिलेगा स्पीड, आप यहाँ पर स्पीड सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से फिल्टर का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो आप यहाँ से फिल्टर भी यूज कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर टाइमर का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो आप वीडियो रील्स बनाओगे बैकग्राउंड लग जाएगा। इसके बाद कैमरा भी यहाँ पर यूज कर सकते हो बैकग्राउंड का भी, और यहाँ पर गैलरी का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो आप यहाँ से गैलरी से भी वीडियो सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि इस वीडियो को सिलेक्ट किया, यहाँ से आप म्यूजिक ऐड करके तो लिख भी सकते हो, कुछ कट भी कर सकते हो म्यूजिक। यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अब जो आपने म्यूजिक ऐड किया है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, म्यूजिक को यहाँ पर लिख देना है पहले, अगर लिखना चाहते हो तो ठीक है, नहीं लिखना चाहते हो तो कोई बात नहीं। मैं यहाँ से पहले जो म्यूजिक को ऐड किया हूँ तो मैं यहाँ पर पहले म्यूजिक को लिख देता हूँ। म्यूजिक को लिखने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर म्यूजिक लिख दिया है, अब यहाँ से आपको हैशटैग यूज करना है। तो अगर आपसे हैशटैग यूज करते नहीं बनता है तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको यहाँ से सीधा पहले बैक चला जाना है। बैक जाने के बाद आपको यहाँ पर गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है, आपको यहाँ पर सर्च क्या करना है, अब आपको यहाँ पर सर्च करना है फेसबुक रील टैग। अब आपको यहाँ पर फेसबुक रील टैग सर्च कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करके सर्च कर देता हूँ। यहाँ पर सर्च कर देना है, सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, सबसे ऊपर वाली लिंक को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा लोड लेगा, इसके बाद आपको यहाँ से नीचे से लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाओगे तो यहाँ पर हैशटैग मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आपको कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ से सीधा बैक चला जाना है, यहाँ पर आपको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर फेसबुक पर फिर से चला जाना है, जो आपने यहाँ पर हैशटैग को कॉपी किया है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जैसे कि हम यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो पब्लिक किया हूँ मैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर अगर फ्रेंड हो तो आपको यहाँ पर पब्लिक कर लेना है पहले अपना अकाउंट। तो यहाँ से आप नीचे रील्स का ऑप्शन मिलेगा, शेयर रील को यहाँ पर शेयर कर देना है आपको। यहाँ इसके बाद आपकी देखो यहाँ पर रील्स शेयर होने लगी, यहाँ पर तो कुछ देर टाइम लगेगा आपको, तो टाइम तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। यहाँ पर आपकी देखो रील्स शेयर हो चुकी है, यहाँ पर प्रोफाइल का ऊपर ऑप्शन मिलेगा, इसके बाद आपकी यहाँ पर जितनी भी रील होगी यहाँ पर डली जाएंगी मिल जाएंगी। तो इसके बाद आपको यहाँ पर देखो हमारे 3 लाइक हो चुके हैं, लाइक हमारा बढ़ना स्टार्ट हो चुका है हैशटैग की। तो आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई हुई, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। हम आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे।